Everyone, कैसे हो आप आप लोग सब I hope आप लोगों का वीकेंड एकदम मस्त गया होगा और वीकेंड इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप लोगों को सिर्फ मस्ती करनी ओके सैटरडे संडे हमने इसीलिए आप लोगों को छुट्टी दी थी ताकि आप पूरे हफ्ते भर में जो भी चार सब्जेक्ट्स में हमने आप लोगों को पढ़ाया था उसका आप रिविजन करो और मंडे फुल फ्रेश माइंड के साथ आप नए कॉन्सेप्ट्स के लिए रेडी हो जाओ तो आज मैं डायरेक्टली शुरू करने जा रही हूं विद अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिलेटिंग टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम डाउन टू पेज नंबर इलेवन पेज नंबर इलेवन पर आपको आना है और इसी पेज नंबर इलेवन पे एक कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा होगा रिलेटिंग टू प्रपोजल और ऑफर तो आज के दिन मैं क्या करने वाली हूं क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको मैं तो खैर फ्राइडे के दिन भी लाइव नहीं थी मतलब आप लोगों को लॉ के लिए पिछले तीन दिनों में छुट्टी थी तो इसीलिए पहले मैं क्या करने वाली हूं नई चीजों को आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं बिकॉज दर इज अ फ्रेश माइंड इट इल बी ईजी फॉर यू ऑल टू ग्रास्प द न्यू थिंग्स और उसके बाद एंड में हम लोग क्या करेंगे पूरा रिवीजन प्रोसेस की शुरुआत करेंगे तो मैं चाहती हूं आप लोग आपके नोट्स पे आ जाओ एंड दैट इज ऑन पेज नंबर इलेवन द कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रपोजल और ऑफर क्या मतलब होता है प्रपोजल का या ऑफर का रिलेटिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 लेट्स चेक इट आउट पहले मैं डेफिनेशन रीड करूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी एंड देन आई विल गिव यूर सर्टेन एग्जाम्पल देखो ये डेफिनेशन क्या कहती है ये डेफिनेशन जो है ये कहती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर टू ओके क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेवनटी टू वेन वन पर्सन फ्रॉम डूइंग एनी थिंग विथ अ व्यू टू ऑपटेनिंग दसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एपस्ट ही से प्रपोजल क्या समझ में आया आप लोगों को मैम कुछ भी नहीं आया समझ में हाँ या ना ठीक है चलो कुछ भी नहीं आया समझ में इसीलिए तो मैं आपके सामने यहाँ पे हूं वॉट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑफर इसी ऑफर को एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स देना चाहती हूँ और इसी दो एग्जाम्पल से मैं आपको ये डेफिनेशन जो है वो समझाना चाहती हूँ तो देखो पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो क्या हुआ है इस एग्जाम्पल में देखिए इस एग्जाम्पल में आरके जो है आरके ही इज प्रपोजिंग टू दीपिका आरके दीपिका को प्रपोज कर रहे हैं कि हे दीपिका विल यू मैरी मी विल यू मैरी मी यहां पे एक पर्सन है जो ऑफर दे रहा है और दूसरा पर्सन है जिससे ये ऑफर दिया जा रहा है अब आप खुद मुझे बताओ सिंपल सिंपल है बहुत सिंपल है जो पर्सन ऑफर दे रहा है इस एग्जांपल में ऑफर कौन दे रहा है इट इज आर के यही पर्सन को कहते हैं एज द ऑफर कौन ऑफर और होता है ऑफर ओ डबल एफ ई आर ओ आर ऑफर और जो पर्सन ऑफर देता है उस पर्सन को कहते हैं एज द ऑफर जो पर्सन ऑफर देता है उस पर्सन को कहते हैं एज द ऑफर और इसी एग्जाम्पल में जो ऑफर और है इस आर आर आरके ने एक ऑफर दिया एक प्रपोजल दिया है किसे दिया है ये प्रपोजल टू दीपिका जी क्या है ये प्रपोजल विल यू मी और जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जा रहा है दैट इज दीपिका जी शी विल बी कॉल्ड एज द ऑफरी शी विल बी कॉल्ड एज द ऑफरी ओ डबल एफ ई आर डबल ई ऑफरी तो देखो जब कभी भी कोई पर्सन ऑफर देता है उसे कहते हैं एज द ऑफर जैसे कि कुछ समय पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था विल यू बाय दिस पेन फॉर रूपीजेंड फ्रॉम मी जब मैं कह रही हूं विल यू बाय दिस स्टाइलिस पेन फ्रॉम मी फॉर रूपीज वन थाउजेंड आई एम इज गिविंग दिस ऑफर तो मुझे माना जाएगा एज द ऑफर और ये ऑफर मैंने आप लोगों को दिया है तो आपको माना जाएगा एज द ऑफरी और ऑफर किस चीज का है? इसी स्टाइलिश पेन को वन थाउजेंड रुपीज में खरीदने का ऑफर दिया है मैंने आप लोगों को उसी तरह से देखो यहां पे ऑफर आ रहा है आरके के साइड से इसलिए आरके को कहेंगे एज द ऑफर ऑफर और जिसे ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी और ऑफर किस चीज के लिए है शादी करने के लिए विल यू मैरी मी और सी एग्जाम्पल दीपिका जी जो है इसी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है देन शी विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर अगर दीपिका ने हा कह दिया यस आई वुड लव टू मैरी यू आर के अब ऐसे केस में देन शी वुड बी रिगार्डेड एज द एक्सेप्टर अब देखो यहां आर के ने जो चीज का ऑफर दिया है यहां आर के ने जो चीज का ऑफर दिया है इस फॉर अ पॉजिटिव एक्ट कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया है कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया है और जब आप कुछ करने के लिए ऑफर देते हो आपको माना जाता है दैट यू हैव गिवन एन ऑफर टू डू समथिंग यू हैव गिवन एन ऑफर टू डू समथिंग दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट वापिस से सुनो मेरी बात यहां पर यह जो ऑफर जा रहा है दिस ऑफर इज फॉर अ पॉजिटिव एक्ट विल यू मैरी मी तो देखो ऑफर दो तरीके का हो सकता है वन इट कुड बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट और टू इट कुड बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट पॉजिटिव ऑफर मतलब टू डू समथिंग ऑफर नेगेटिव भी हो सकता है टू नॉट डू समथिंग ऑल्सो कैन बी एंड ऑफर आप बोलोगे पॉजिटिव ऑफर तो समझ में आ गया जैसे कि स्टाइलिश uh, पेन बेचना इज अ पॉजिटिव ऑफर कि क्या आप ये पेन खरीदना चाहते हो कुछ करने के लिए हमने ऑफर दिया बट मैम ओ मैम ये नेगेटिव ऑफर की बात कुछ पल्ले में समझ में नहीं आई क्या आप नेगेटिव ऑफर से रिलेटेड हमें कुछ एग्जांपल दे सकते हो ऑफ कोर्स आई विल गिव यू लॉट्स ऑफ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स डोंट वरी मैंने आपको पहले दिन ही वादा किया था कि सब्जेक्ट तो है मेरा थेटिकल बट अप्रोच होगा एकदम प्रैक्टिकल तो देखते हैं कैसे हो सकता है एक नेगेटिव चीज का ऑफर सेकेंड एग्जाम्पल फॉर ऑफर कॉन्सेप्ट दिस इज अगेटिव ऑफर सो बेसिकली यू आर एबिंग समथिंग कुछ ना करने के लिए आपने ऑफर दिया है कुछ ना करने के लिए आपने ऑफर दिया है देखो यहां पे क्या हुआ है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक टॉम है और एक जेरी है इन दोनों के दोस्ती के बारे में आपने बचपन से सुना ही और देखा ही होगा तो देखो यहां पे क्या हुआ है टॉम ने कुछ पैसा जो है वो जेरी को दिया था उधारी पे मतलब बेसिकली टॉम क्रेडिटर जेरी डेटर टॉम ने लोन दिया था एक लाख रुपए का टू जेरी टॉम ने लोन दिया था एक लाख रुपए का टू मिस्टर जेरी तो देखो अगर टॉम पैसा दे रहे हैं टॉम पैसा लेंड कर रहे हैं लेंड कर रहे हैं ऑब्वियसली ही इज द लेंडर और वी कैन कॉल हिम द क्रेडिटर वहीं पे जब जेरी को पैसे मिले हैं जब जेरी को पैसे मिले हैं उस केस में माय डियर फ्रेंड्स जेरी इज द बोरोअर वी कैन कॉल हिम द बोरोअर और वी कैन कॉल हिम द डेटर तो अब देखो टॉम तो ने जेरी को पैसे दिए हैं एक लाख रुपए के और यही जो पैसा है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल वो दिया गया है फॉर फाइव मंथ्स अब जैसे फाइव मंथ हो गए क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया क्रेडिटर जो है मिस्टर टॉम जो है वो जेरी से पैसा मांगते हैं कहते हैं हे जेरी देखो ये जो एक लाख रुपए जो आपने हमसे लिए थे वो आपने लिए थे फॉर फाइव मंथ्स फाइव मंथ्स अब खत्म हो चुके हैं तो अब वो समय आ चुका है जहां पे आपको ये मेरा पैसा लौटाना पड़ेगा बट देखो जैसे ही टॉम जेरी के पास पैसे मांगने जाते हैं ना जेरी आपको तो पता है कितना शैतान है जेरी कह देता है मैं नहीं दूंगा टॉम तुम्हें तुम्हारे पैसे तुमको जो करना है तुम कर लो जेरी जो है वो पैसे देने से मना कर देता है कह देता है टॉम hey मैं तो तुमको तुम्हारे पैसे नहीं देता तुमको जो करना है तुम कर लो मैं तो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने से रही ही डिनाइज टू गिव दिस मनी टू मिस्टर टॉम टॉम तो अब कहता है अच्छा बेटा एक तो पैसे लेना चोरी करना और ऊपर से सीना चोरी अब जब पैसे लौटाने की बात आ रही है तब कह रहे हो कि पैसे में लो, नहीं लौटाऊंगा तो अब देखो टॉम कहता है अगर तुम एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाओगे i will sue you i will file a case against you जब मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा ना अब सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम पैसा उधारी पे लेते हो और वापस से तुम पैसा लौटाते नहीं हो देखो किसी के अगेंस्ट केस फाइल होना इज अ वेरी बिग थिंग इन टूडेज डेट क्योंकि देखो पैसा तो आता जाता रहेगा बट अगर किसी का नाम खराब हो जाता है उसे वापस से बिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो ऑब्वियसली बात है जब टॉम ने कहा ना कि हे जेरी आई विल सी यू जेरी डर जाता है सेम जाता है उसको समझ में आ जाता है जो उसने किया है वो गलत किया है तो वो कहता है मिस्टर टॉम से कि ही टॉम प्लीज मेरे केस फाइल मत कर, मुझे और छह महीनों का समय देख लाख रुपए तेरे लौटा दूंगा इनफैक्ट अगर तूने मेरे अगेंस्ट इन सिक्स मंथ्स में केस फाइल नहीं किया अगर तूने मेरे अगेंस्ट इन सिक्स मंथ्स में केस फाइल नहीं किया तो अब मैं तुझे तेरे एक लाख रुपए तो लौटा दूंगा प्लस आई एम ऑफरिंग यू एडिशनल टेन थाउजेंड रुपीज फॉर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी फॉर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी फॉर नॉट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट मी यहां पे जेरी ने जो टॉम को ऑफर दिया है दैट इज फॉर नॉट डूइंग समथिंग दिस इज अगेटिव ऑफर यहां पर क्या हो रहा है जेरी कहता है तुम मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो और अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस फाइल नहीं किया आई विल ऑफर यू एडिशनल टेन थाउजेंड रुपीज तो so, देखो यहां पर ऑफर ऑल मिस्टर जेरी है ऑफर ऑल मतलब वो पर्सन होता है जो ऑफर दे रहा है ऑफर ऑफरी वो पर्सन होता है जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है तो यहां पे जेरी इज गिविंग एन ऑफर टू टॉम फॉर नॉट डूइंग समथिंग मतलब बेसिकली दिस ऑफर इज फॉर अ नेगेटिव एक्ट टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग कुछ ना करने के लिए हमने ये ऑफर दिया है तो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो आप मेरे अगेंस्ट केस फाइल मत करो तब उस केस में आई विल गिव यू एडिशनल टेन थाउजेंड रुपीज तो यही ऑफर जो होता है इधर इट कुड बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट मींस टू डू समथिंग और इट कुड बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट नेगेटिव एक्ट मींस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग टू नॉट डू समथिंग दोनों भी तरीके के ऑफर आर आर अलाउड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन सेवेंटी टू एंडल तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑफर की डेफिनेशन को काफी ब्रॉड रखा है और अपने पर में, को भी इंक्लूड किया है और नेगेटिव ऑफर को भी इंक्लूड किया है तो so, ऑफर हो सकता है टू डू अर्टिकुलर एक्ट और इट कुड बी टू नॉट डू अटिकुलर एक्ट अब वापिस आ जाइए टू द डेफिनेशन कमऑन ये देखिए डेफिनेशन वापस से अब देखिए डेफिनेशन रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली exactly क्या कहने जा रहे थे हमारे ये लॉ मेकर्स देखो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर व्हेन वन पर्सन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर तो देखो जब कभी भी ऑफर होता है दो लोगों से एक जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है सो देर इज वन एंड देर इज अनदर वन जो ऑफर दे रहा है और दूसरा जिसे ये ऑफर दिया जा रहा है सो वेन वन पर्सन सिग्नीफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू टू डू Or to abstain from doing something. His willingness to do or to abstain from doing something. Matlabi offer can be for a positive act or it can be for a negative act. विथ अ व्यू और देखो हम ऑफर क्यों दे रहे हैं हम ऑफर इसीलिए दे रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द अदर पार्टी तो देखो विथ अ व्यू हमारा इरादा क्या है हम ऑफर क्यों दे रहे हैं तो देखो हमारा इरादा है ऑफर देने के पीछे इन ऑर्डर टू गेट एक्सेप्टेंस हम लोग मेयर एक्नोलेजमेंट ऑफ फैक्ट नहीं कर रहे हैं हमने ऑफर दिया ही है ताकि हमारा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए एंड वी कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल इन बाय लॉ दैट इज वी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट तो देखिए सो so यहां पर वी आर गिविंग एन ऑफर विथ अ व्यू टू ऑप्टेनिंग दी एसेंट किसी और हम लोग किसी और का एसेंट मतलब कंसेंट पाना चाहते हैं इसलिए हमने यह ऑफर दिया है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल सो व्हेन वन पर्सन ऑफर इज सिग्निफाइंग टू अनदर टू अनदर मींस द ऑफरी हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग विल यू मैरी मी to do something Media against case file mat karo, Tom. mat, karo. mat karo, Tom. i will give you additional 10000 rupees we are expressing our willingness to abstain from doing something and why did we give this offer in order to obtain the assent assent means the consent of that other person such act स इज नोन एज एंड ऑफर सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एंड ऑफर अगर इसी डेफिनेशन की हम एनालिसिस करेंगे देखो आगे ही लिखा है द पर्सन मेकिंग द ऑफर द पर्सन मेकिंग द ऑफर अंडरलाइंग मेकिंग द ऑफर इज नोन एज द ऑफर ऑर ओ डब्लू एफ ई आर

इसे मैं ऑफर नहीं कह सकती यहां पे मैं सिर्फ एक्सप्रेस कर रही हूं कि मैं क्या सोच रही हूं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफर अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट एंड ऑफर अगर मैं ऐसे कह रही हूं डू यू वॉन्ट टू परचेस माई पेन फॉर रूपीज वन थाउजेंड रूपीज

और इट कैन बी नेगेटिव सो इट कैन बी फॉर डूइंग समथिंग और इट कैन बी फॉर नॉट डूइंग समथिंग एंड ऑफर कैन बी फॉर अ पॉजिटिव एक्ट और इट कैन बी फॉर अ नेगेटिव एक्ट यस और नो गाइस यस यही ऑफर्स के बहुत सारे टाइप्स है इसी ऑफर के बहुत सारे टाइप्स है कौन से कौन से टाइप्स है ये ऑफर्स के देखो पेज नंबर इलेवन पे ही मैंने उसके बारे में बताया गया है लेट्स चेक इट आउट कम ऑन ये देखिए पेज नंबर इलेवन पे टाइप्स ऑफ ऑफर जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर आज के सेशन में ये सारे के सारे ऑफर्स जो है उनके बारे में हम लोग डिटेल में अलोंग विथ एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हैं खैर आपकी नोटबुक में बुक में तो आपको सबसे पहले जनरल ऑफर नजर आ रहा होगा बट सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी विथ स्पेशल ऑफर पेज नंबर ट्वेल्व पे आपको आना है पहले स्पेशल ऑफर पढ़ाऊंगी और उसके बाद आई विल गो टू जनरल ऑफर नाम में लिखा है स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर नाम में ही सब कुछ लिखा है स्पेसिफिक स्पेशल ऑफर एनी ऑफर दैट इज गिवन इधर टू अ स्पेसिफिक पर्सन वन टू वन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन

क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो अब ऐसे केस में हाँ या ना में जवाब हाँ या ना में जवाब आप या मैं नहीं कह सकते चाहे हम कितना भी आरके से शादी क्यों ना करना चाहते हो क्या आप या मैं इसका जवाब हा या ना में दे सकते हैं नहीं या हाँ ना में जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है एंड दैट इज गोइंग टू बी दीपिका सो बेसिकली स्पेसिफिक ऑफर और स्पेशल ऑफर इज एन ऑफर विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन का क्या एग्जांपल हो सकता है जैसे कि फॉर एग्जांपल uh, आज मेरा बर्थडे है ओके okay? अब खेर आज मेरा बर्थडे नहीं है ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मेरा बर्थडे आता है सेकेंड ऑफ नवंबर को तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आज सेकेंड ऑफ नवंबर है मेरा बर्थडे है तो मैं सोचती हूँ चलो आज बर्थडे खत्म हो गया एंड सेकेंड नवंबर तक लॉकडाउन भी खत्म हो गया है और इंडिया और दुनिया जो है कोरोना वायरस से मुक्त हो चुकी है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन आ चुकी है काश ऐसा हो जाए अब ऐसे केस में सिर्फ फॉर एग्जांपल आज बर्थडे तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों को सिर्फ फॉर एग्जाम्पल दोस्तों को या समझ देते चलो मैं आप सब लोगों को बिकॉज सो स्पेशल टू मी आप लोगों ने ऐसे समय पे मुझे भरोसा किया और आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो मेरे लेक्चर्स के लिए मैं सोचती हूँ आई शुड सीरियसली गिव अ स्पेशल ट्रीट टू ऑल ऑफ योल तो अब मैं आप लोगों को बोल रही हूं कि क्या आप मेरे साथ आज शाम में डिनर और डीजे पार्टी के लिए आना चाहते हो क्या आप मेरे साथ आज शाम में आज मेरा बर्थडे है इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी टुडे क्या आप मेरे साथ डीजे पार्टी और डिनर के लिए आना चाहते हो आज अब ऐसे केस में ये जो ऑफर मैंने दिया है ये जो ऑफर मैंने दिया है दिस इज अ स्पेशल ऑफर अब आप कहोगे मैम आपने तो हम सब लोगों को इन्वाइट किया है हम तो अनेक हैं तो भी क्या ये स्पेशल ऑफर हुआ जी हाँ ये फिर भी एक स्पेशल ऑफर माना जाएगा क्यों बिकॉज दिस ऑफर इज टू अ अलोज ग्रुप ऑफ पर्सन से फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ये जो क्लासेस है मेरी 500 स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये ऑफर मैंने दिया है टू ओनली दीज 5000 थाउजेंड स्टूडेंट्स सॉरी फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स अब इस केस में माई डियर फ्रेंड्स आप लोगों के अलावा आप लोगों के अलावा कोई भी तीसरा व्यक्ति मेरे साथ आज डिनर और डीजे पार्टी के लिए नहीं आ सकता है सो so, यहां पर दो आई हैव गिवन एन ऑफर टू मोर देन वन पर्सन बट दीज मेनी इज अ क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन मैंने ये डिनर और डीजे पार्टी के लिए उन्हीं बच्चों को इन्वाइट किया है जिन्होंने मेरी ये लाइव क्लासेस के लिए सब्सक्राइब किया है hmm. so, यहां पे चाहे वन टू वन है या वन टू मेनी है इट इज क्लोज ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज नॉट लाइक अ भंडारा क्या ये भंडारा है कि हर कोई पर्सन जो आना चाहता है मेरे साथ डिनर के लिए और डीजे के लिए वो आ जाएगा कि ये है नहीं ये नहीं है इसीलिए स्पेशल ऑफर नहीं होगा अगर भंडारा की बात होती तो मैं कह सकती थी इट इज अ जेंडल ऑफर बट यहां पर जो ऑफर मैंने दिया है फॉर डिनर एंड डीजे इज ओनली टू दीज फाइव हंड्रेड स्टूडेंट हुईब हम्म hmm. तो इसको कहते हैं एज अ स्पेशल ऑफर वेन यू आर मेकिंग एन ऑफर ईदर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन इट इज नोन एज अ स्पेशल ऑफर और जब आप स्पेशल ऑफर किसी को देते हो याद रखना वही पर्सन इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है जिस पर्सन को आपने ये ऑफर दिया है तो अगर आरके ने दीपिका को प्रपोज किया है शादी के लिए इट इज ओनली दीपिका हु कैन से येस और नो हम लोग चाह कर भी हा या ना नहीं बोल सकते तो मैं चाहती हूं आप आपकी पेन लो और आपकी पे यहाँ पे देखो जहां पे पेज नंबर ट्वेल्व है पॉइंट नंबर बी पे मैंने स्पेशल ऑफर के बारे में लिखा है वेन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक और पर्सन इट इज़ नोन अ स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाई दैट पर्सन टू होम द ऑफर हैज बीन मेड तो अगर मैंने आप लोगों को इन्वाइट किया है मेरे डीजे और डिनर पार्टी के लिए इट इज ओनली यू हु कैन ज्वाइन मी नोबडी एल्स हु कैन ज्वाइन मी फॉर दिस पर्टिकुलर डीजे पार्टी येस और नो गाइल्स मैं चाहती हूं यहां पर आप ऐसे लिख दो ये जो ऑफर है जैसे कि आपके पास नोट्स हो गए तो अगर नोट्स हो गए स्टिक नोट पे ड्रॉ कर देना नहीं तो यहीं पे आप लिख सकते हो देखो जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर कैन बी वन टू वन जहां पर आरके ने दीपिका को बोला है एक काम करती हूं मैं यहां पे लिखती हूं मैं चाहती हूं आप लोग स्टिक नोट पे लिख दो क्योंकि वहां पर बुक में इतनी जगह नहीं है स्टिक नोट पे लिखने के बाद आप उसे चिपका सकते हो okay। तो यहां पे जब आर के हाँ ये दीपिका है ना दीपिका को प्रपोज कर रहा है विल यू मैरी मी इट इज ओनली दीपिका हु कैन से यस और नो उसके अलावा कोई भी हा या ना में जवाब नहीं दे सकता है इसे ही हम कहेंगे एज अ स्पेशल ऑफर या तो फिर अगर मैं आप लोगों को अब आप एक नहीं हो आप अनेक हो मैंने आप सब लोगों को इनवाइट किया है आज के पार्टी के लिए तो आप लोग भी जो हो आप एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है चाहे ये वन टू वन है या वन टू मेनी है फर्क नहीं पड़ता है बोथ विल बी Coming under the broad term that is a special offer. So, an offer which is made either to a specific person. और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन ग्रुप ऑफ पर्सन पढ़ाया तो ऐसे मैंने लाखों बच्चों को बट ये सारे लैक ऑफ स्टूडेंट्स मेरे साथ आज की पार्टी के लिए ज्वाइन इन नहीं कर सकते सिर्फ वही बच्चे जो ज्वाइन इन कर सकते हैं वो रहेगे वो बच्चे जिन्होंने मेरी ये लाइफ फाउंडेशन की क्लासेस को सब्सक्राइब किया है तो ऑल आर अ क्लोज ग्रुप ऑफ persons, such an offer will पर्सन सच एंड ऑफर विल बी रिगार्डेड एज अ स्पेशल ऑफर स्पेशल ऑफर समझ में आ चुका है आगे बढ़ते हैं What do you mean by a जनरल ऑफर क्या स्पेशल ऑफर समझने के बाद मुझे लगता है आप लोगों को जेनरल ऑफर क्या है इसकी आइडिया ही चुकी होगी बट फिर भी आप लोगों के लिए फिर से वट यू मीन बाय general ऑफर देखो an offer that is made to the public at large, an offer that is made to the public at large is known as a special offer. if it is made to the public at large, my dear friends, anyone from the public is free to accept such an offer as a general offer, an offer which is made. to the public at large is known as a general offer jaisa ki say for example jab hum log koi shopping mall mein jaate hain aur hum log dekh rahe buy two t-shirts get one t-shirt free अब ऐसे केस में ये जो offer है it is nothing but it is a general offer चाहे आप मेरे student हो ना हो आप लड़का हो लड़की हो आपकी उम्र 20 साल की हो या 50 साल की हो चाहे आप पुणे के हो या औरंगाबाद के चाहे आप दिल्ली के हो या गुजरात के चाहे आप जयपुर के हो या सिक्किम के अब फर्क नहीं पड़ता है एनी पर्सन हु विशेष टू कैन अवेल दिस ऑफर और अगर उस पर्सन ने दो टी शर्ट बाई किए उसको एक मुफ्त मिलने ही वाला है एंड ऑफर विच इज ओपन टू द पब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ स्पेश सॉरी जनरल ऑफर इज नोन एज अ जनरल ऑफर एंड ऑफर विच इज ओपन टू दब्लिक एट लार्ज इज नोन एज अ जनरल ऑफर इसी जनरल ऑफर के ऊपर एक बहुत फेमस केसलॉ है जिसका नाम आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है केसलॉ का नाम है कार्लिल वर्सेज कार्बॉलिक स्मोक बॉल कंपनी केस This case law is very, 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 very important. कार्लिल versus Carbolic Smoke Ball Company case. इट्स अ वेरी फेमस केस और इसमें क्या हुआ था मैं आपको बताती हूँ सोचना और सोच के खुद जवाब देने की कोशिश करना देखो ये केस में क्या हुआ था एक बहुत फेमस कंपनी थी इसी कंपनी का नाम देखो नाम में आपको समझ में आ जाएगा केसलॉ का नाम मैंने कुछ समय पहले आपको सिखाया था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। वर्सेस में मैंने केसाया था देखो कार्लिल कौन है कार्लिल कार्लिल वो पर्सन है जिसने केस फाइल किया है जिसने केस फाइल किया है सो बेसिकली शी इज दुखी आत्मा प्लेंटिफ एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वो कंपनी है जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है डिफेंडेंट जो पर्सन केस फाइल करता है इज नोन एज द प्लेंटिफ और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है इज नोन एज द डिफेंडेड 1983 एटी थ्री इज द ईयर जहां पे इस केस लॉ का जजमेंट आया था तो सुनो ना मेरी बात देखो यहां पे क्या हुआ है एक बहुत फेमस कंपनी है जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी इसी कंपनी ने क्या किया एक मेडिसिन बनाई इन द फॉर्म ऑफ बॉल्स स्मोक बॉल्स और ये एडवर्टीजमेंट दी बहुत सारे न्यूज में कि जो भी पर्सन हमारे मैन्युफैक्चर्ड स्मोक बॉल्स को इंटेक करेगा इस पर्सन को कभी भी इंफ्लुएंजा नहीं होगा और अगर आप ये मेडिसिन लेते हो और ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो हमने दिए हैं उसे कंप्लाई करते हो उसके बावजूद अगर आपको इंफ्लुएंजा हो जाता है वी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ वन हंड्रेड पाउंड क्यों है बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ एंड बिकॉज इट इज अ ब्रिटिश केस लॉ द अमाउंट ऑफ द रिवॉर्ड इज इन पाउंड दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ अब देखो ना सुनो ना मेरी बात कंपनी कहती है ये दावा करती है कंपनी कि अगर आपने हमारे स्मोक बॉल्स हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लिया तो हम ये वादा करते हैं कि आपको इंफ्लुएंजा हो ही नहीं सकता और अगर आपको इंफ्लुएंजा हो गया वी विल गिव अ रिवॉर्ड ऑफ वन हंड्रेड पाउंड टू यू अब देखो देर वॉज दिस लेडी जिनका नाम था मिसिस कार्लिल मिसिस कार्लिल शी परचेस दीज स्मोक बॉल्स And followed all the directions that the company had given. But she suffered from influenza. And because she suffered from influenza, she filed a case against the company. Ka झूठे हैं वो सारे वादे जो आपने हमसे किए थे आपने कहा था कि मेडिसिन लेने के बाद किसी को भी इंफ्लुएंजा नहीं होगा तो देखो मैंने ये मेडिसिन ली आपके बताए गए सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए उसके बावजूद मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ गिव मी माई रिवॉर्ड ऑफ वन हंड्रेड पाउंड कंपनी कहती है मैडम हम नहीं आप देखो हमने तो कभी आपको ऑफर दिया ही नहीं था हमने तो सिर्फ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दी थी हम कहा आपके घर पे आए थे ऑफर के लिए कि हमारी मेडिसिन लो मेडिसिन लेने के बाद आप देखना आपको इंफ्लुएंसा नहीं हुआ अगर हमने ऑफर दिया ही नहीं है ऑफर को एक्सेप्टेंस ही नहीं मिला है अगर ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिला ना मतलब क्या हुआ यहां पे यहां पे अग्रीमेंट ही नहीं हुई और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और अगर हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू दिस रिवॉर्ड ऑफ वन हंड्रेड पाउंड थोड़ा सोचो आप आपको क्या लगता है क्या कार्लिल सही है मिसेस कार्लिल कि क्या ये कंपनी सही है क्या कंपनी ने एडवर्टीजमेंट देके क्या ऑफर दिया था या नहीं दिया था थोड़ा सा सोचो 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 तो देखो इस सवाल का जवाब है जज ने यह जजमेंट दिया दैट मिसेस Carlyle could recover. She can recover. Can recover. Can recover this reward of one hundred pounds because newspaper my advertisement dinner amounted to a general offer. This amounted to a general offer. Or this general offer me any person from the public at large was free to accept the. ऑफर एंड क्यूके मैडम जी ने मिसेस कार्लिल ने सारे इंस्ट्रक्शंस को कंप्लाई किया माना गया ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला है अग्रीमेंट है इन्फोर्सिबल बाय लॉ कंपनी और कार्लिल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है एंड बिकॉज शी सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा शी वाज एंटाइटल टू गेट द रिवॉर्ड ऑफ हंड्रेड पाउंड देखो मैं चाहती हूं मेरे साथ आप बोलो केसलॉ का नाम क्या है केसलॉ का नाम कार्लिल वर्सेस बोलो तो वापस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस यस गाइस यस तो देखो दो टाइप के ऑफर हमने किए हैं स्पेशल ऑफर एंड जनरल ऑफर कौन से ता, दो टाइप के ऑफर है स्पेशल ऑफर एंड जनरल ऑफर स्पेशल ऑफर मतलब ऐसा ऑफर होता है जो आप देते हो इधर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन एंड जनरल ऑफर इज अफर विच यू हैव मेड टू द पब्लिक एट लार्ज एनी वन फ्रॉम द पब्लिक इज फ्री टू एक्सेप्ट दिस ऑफर और इसी जनरल ऑफर के लिए हमने एक केसला देखा था जिसका नाम था कार्लिल वर्सेज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी किस नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी पे आओ पहले क्योंकि वो इजी है काउंटर ऑफर पॉइंट नंबर डी काउंटर ऑफर ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर बहुत इजी है ऑफर के बदले में ऑफर देना इज नथिंग बट इट इज अ काउंटर ऑफर हम सब लोगों ने शॉपिंग की है और अगर शॉपिंग की है हम सब लोगों ने बार्गेनिंग भी किया है तो जब आप बार्गेनिंग करते हो इट इज नथिंग बट इट इज अ काउंटर ऑफर दैट यू आर मेकिंग ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर जैसे कि देखिए सपोज आप शॉपिंग के लिए जाते हो और इसी शॉपकीपर से कहते हो कि भैया ये टी शर्ट मुझे पसंद आया है इस टी शर्ट का प्राइस क्या है तो वो कहते हैं दिस टी शर्ट यू विल गेट फॉर रूपीज फाइव हंड्रेड आपके तो भैया ये प्लेन ब्लू टी शर्ट जिसपे ना कोई प्रिंट है ना कुछ लोगो है इसके रुपए ना बाबा ना इतने तो मैं नहीं दे सकता गरीब हूं मैं आई विल गिव यू मैक्म फोर हंड्रेड रुपीज पर्टिकुलर टी शर्ट तो अब देखो ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर इज अ काउंटर ऑफर भैया ने कहा हम आपको ये टी शर्ट पांच सौ में बेच सकते हैं उन्होंने एक ऑफर दिया आपने इसी ऑफर के बदले में एक काउंटर ऑफर दिया कि हे भैया ये टी शर्ट मैं खरीदूंगा बट ओनली फॉर रूपीज फोर हंड्रेड पांच सौ के लिए नहीं ओनली फॉर रुपीज फोर हंड्रेड ऑफर के बदले में ऑफर देना इज अ काउंटर ऑफर इज काउंटर ऑफर फिर भैया कहते हैं चार सौ में तो सर मेरी खरीदी भी नहीं है चार सौ में आपको बेच के मैं अपना नुकसान क्यों करवाऊ अगर आप चाहते हो सिर्फ क्योंकि आप चाह रहे हो आई विल गिव यू दिस टी शर्ट फॉर रूपीज फोर एटी उससे कम में मैं आपको ये टी शर्ट नहीं बेच सकता फिर आप कहते हो कि भैया कहां 400 सौ 480 चार सौ अस्सी दो बीस रुपए के लिए बारगेनिंग करना आपको भी क्या ठीक लग रहा है चलो ना आपकी ना मेरी आप डन कर दीजिए ये टी शर्ट मैं चार सौ में मैक्सिमम खरीदूंगा इससे एक रुपया ज्यादा मैं आपको नहीं दूंगा ऑफर के बदले में ऑफर देना इज काउंटर ऑफर अब 450 के लिए शॉपकीपर अपना एक्सेप्टेंस देता है तो अब देखो अब देखो एकदम ध्यान से देखना इस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है 450 के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है 450 रुपए रुपये के ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस मिला है ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला तभी तो अग्रीमेंट हुआ ना ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला तभी तो अग्रीमेंट हुआ ना बाकी प्रीवियस सारे ऑफर्स जो है अब वो लैप्स हो जाते हैं विल कॉन्ट्रैक्ट तो इनटू अ का तो 500 का 400 का 480 का ऑफर ये सारे के सारे लैप्स हो जाएंगे और जिस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिला वही पे अग्रीमेंट बनी एनफोर्सेबल बाय लॉ और उसी को हम कहेंगे एज अ कॉन्ट्रैक्ट तो देखो ऑफर के तीन टाइप्स मैंने आपको पढ़ाया है जेनरल ऑफर स्पेशल ऑफर एंड काउंटर ऑफर एनी ऑफर विच इज गिवन टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन इज अ स्पेशल ऑफर एंड ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज ज नोन एज अ जेनरल ऑफर और ऑफर के बदले में ऑफर मिलना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर फोर्थ टाइप क्रॉस ऑफर फोर्थ टाइप कौन सा है क्रॉस ऑफर वेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स ओके वन टू आइडेंटिकल ऑफर दे get exchanged with each other obviously they are getting exchanged with each other because we are ignorant about the other person's offer such an offer is known as a cross offer such an offer is known as a cross offer when two offers okay when two offers they get exchanged with each other when two offers get exchanged with each other's identical offers get exchanged with each other in ignorance of the other person's offer such an offer is known as a cross offer such an offer is known as a cross offer the king of is example me examples to आप थक जाओगे सुन सुन के एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल्स को बट मैं बता के नहीं थकूंगी देखो दीपिका जी रणबीर सिंह को एक ऑफर देती है कहती है कि क्या तुम मेरा ये बंगलो दो करोड़ में खरीदना चाहते हो दीपिका दीपिका आरके को एक लेटर लिखती है कि हे सॉरी सॉरी, नॉट आर एस, रंगबीर सिंह, कंफ्यूजन, भावनाओं को समझो है ना सुनो मेरी बात दीपिका रंगबीर सिंह को एक लेटर लिखती है कि क्या तुम मेरा यह घर दो करोड़ में खरीदना चाहते हो साइमटेनियसली इतफाक की बात देखो ना उसी समय पे रणबीर सिंह जो है दीपिका को एक लेटर लिखता है जिसमें ये लिखाता है हे दीपिका क्या तुम मुझे अपना ये घर दो करोड़ में बेचोगे क्या तुम अपना ये घर मुझे दो करोड़ में बेचना चाहती हो यहां पे क्या हुआ है दो आइडेंटिकल ऑफर्स यहां पर दो आइडेंटिकल ऑफर्स एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर इसी घर को बेचने का ऑफर दीपिका ने रंगबीर सिंह को दिया था और इसी घर को खरीदने का ऑफर रंगबीर सिंह ने दीपिका को दिया था ऐसे ऑफर को कहते हैं क्रॉस ऑफर देखो इसने भी ऑफर दिया है और उसने भी ऑफर दिया है इसने भी ऑफर दिया है और इसने भी ऑफर दिया है क्योंकि दोनों लोगों ने ऑफर दिया है दोनों लोगों ने ऑफर दिया क्योंकि दोनों भी लोगों ने ऑफर दिया है माय डियर फ्रेंड्स ऑफर को ऑफर मिलने से अग्रीमेंट नहीं होता है याद रखना अग्रीमेंट कब बनता है जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है जब ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है तभी आप लोगों के बीच में अग्रीमेंट होती है ऑफर के लिए ऑफर मिलने से अग्रीमेंट नहीं होती है तो देखो आर रणबीर सिंह आर एस और दीपिका के बीच में सिर्फ ऑफर्स एक्सचेंज हुए हैं नो अग्रीमेंट नो कॉन्ट्रैक्ट दोनों में से किसी एक को दोनों में से किसी एक को ऑफर के बदले एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा तभी माना जाएगा अग्रीमेंट है एनफोर्सेबल बाय लॉ है और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जांपल दीपिका एक्सेप्टेंस दे देती है कि यस आई विल सेल यू दिस हाउस फॉर टू सी आर ओके देन माई डियर फ्रेंड्स ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया और क्योंकि ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल गया अब हम कह सकते हैं अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय Law है, yes or no guys? Yes. तो चार टाइप के ऑफर मैं चाहती हूं कि आप लोग सब मुझे बताओ चार टाइप के ऑफर कौन से है ये चार टाइप के ऑफर सबसे पहला स्पेशल ऑफर सेकेंड जनरल ऑफर तीसरा काउंटर ऑफर ऑफर के बदले में ऑफर इज अ काउंटर ऑफर फोर्थ

Open for a period of time. For a particular period of time. Is known as a standing offer. Continuing offer or an open offer. An offer which is open for a particular period of time is known as a standing offer. Open offer. Or kesate hai. कंटिन्यूंग ऑफर जैसे कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल ये जो सेल चालू है ना मॉल में इट इज गोइंग टू बी वैलिड अप टू फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट दिस द फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट आज पच्चीस मे है तो मे के कुछ पांच छे दिन पूरा जून पूरा जुलाई इतने समय के लिए इतने पीरियड के लिए हमारा ये ऑफर ओपन रहने वाला है सच And offer is known as a continuing offer. Open offer. Yaham kesakte We koham as a standing offer. So these are the five kinds of offer. Consequence parts type. Come on. General offer, special offer, counter offer, cross offer, and a standing offer. चलो जितना भी कुछ आज हमने किया है पहले मैं आपको ये सारी चीजें रिवाइज करना चाहती हूं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे ठीक है, इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं बाकी की सारी चीजें जो है हम फटाफट रिवाइज करने वाले एक्सप्लेनेशन वाइज आज के लिए इतना ही होगा बट रिविजन आज हम लोग मस्त करेंगे और यू you नो know, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं आपको पता है क्यों क्योंकि हमारा यूट्यूब का जो चैनल है स्वप्निल पटनी क्लासेस का उसके आज आज के दिन ही येस माई डियर फ्रेंड्स चार लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए यू तो देखो ये सारी चीजें जो है ये मुमकिन हुई है ओनली बिकॉज ऑफ यूल सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यूल रियली देखो मैं हाथ जोड़ के आपको बोल रही हूं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव ऑलवेज शोड ऑन अस ऑल द लव एंड ऑल द ट्रस्ट आज अगर हम इस मुकाम पे है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द लव एंड ट्रस्ट दैट यू हैव शोन टू अस अगर आप लोग नहीं होते तो हम नहीं होते हम में तुम है तुम में हम है हाँ या ना? तो थैंक यू सो 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 वेरी मच और मैं चाहती हूँ हाँ और एक चीज क्योंकि आज तो मैं इतनी ज्यादा खुश हूं मैं चाहती हूँ आप लोग दुण। लो क्या करो अभी जो मैं रिविजन लूंगी ना इस रिविजन का आप एक छोटा सा वीडियो लेना बस अः कुछ 15 से 30 सेकंड का एक छोटा सा वीडियो जैसे हमने सेल्फी कॉन्टेस्ट खेला था ना वैसा ही कुछ तो सेल्फी कॉन्टेस्ट में आपने सेल्फी ली थी इस बार मैं चाहती हूं आप लोग एक वीडियो निकालो ऑफ माई क्लासेस अलॉन्ग विथ द रिविजन दैट यू आर डूइंग एट होम तो कैसे आप रिविजन घर पे करते हो तो इससे मुझे भी समझ में आएगा कि जितनी सिंसियर मैं हूं इस कोर्स की तरफ और आप लोगों के करियर की तरफ क्या आप भी सिंसियर हो या नहीं अपने लिए और अपने करियर के लिए एक छोटा सा पंद्रह से तीस सेकंड का वीडियो निकाल देना रिविजन लेते समय और मेरे इंस्टा अकाउंट पे प्लीज मुझे जरूर टैग करना आई विल आई विल चेक ऑल योर पोस्ट इंस्टा पे मैं सीए अंकिता के नाम पे हूं सीए अंकिता के नाम से हूं एक मिनट आई जस्ट राइट इट सी ए अंकिता के नाम से हूं इंस्टाग्राम पे शायद से मेरा नाम विजिबल होता है एज अंकिता मेहता 2008 एंड एट इंस्टाग्राम पे सी अंकिता के नाम से हूं मैं और नाम मेरा विजिबल होता है एज अंकिता मेहता 2008 तो इसी अकाउंट को मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को आप टैग करना आपके वीडियोस के साथ और देखना बहुत मजा आएगा आपको भी और मुझे भी और बहुत सारे सरप्राइजेस है फॉर द बेस्ट वीडियोस यू कैन ऑल्सो टैग स्वप्निल सर स्वप्निल सर इज ऑन इंस्टाग्राम और उनका आईडी है आई गेस स्वप्निल अंडसको पटनी और साथ ही साथ हमने आज के दिन क्या किया है एक टेलीग्राम का एक अकाउंट खोला है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा तो अगर आप मेरे सीए फाउंडेशन के लाइव क्लासेस देख रहे हो प्लीज ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेलीग्राम ग्रुप सो दैट यू एंड मी कैन गेट कनेक्टेड टू ईच अदर हम लोग लगातार इसी से कम्युनिकेट करेंगे तो बहुत बार ऐसा हो जाता है टेक्निकल रीजन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के वजह से क्लासेस नहीं होती है या देर से होती है आ, या अगर कुछ डाउट को सॉल्व करना हो या कुछ मैसेज आपको कम्युनिकेट करना है कुछ अमेंडमेंट्स आपको देने हो कुछ नोट no

कीजिए ऑन द लेक्चर ऑन द रिविजन पार्ट एंड देन यू कैन एंड किया है, प्लीज हमारा सबस्क्राइब सबस्क्राइब करने के बाद आपको बाजू में ही एक बेल का आइकन नजर आएगा उस बेल के आइकन को जरूर क्लिक करना उससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा और आप अपडेटेड रहोगे वे ऑल द अमेंडमेंट इन दिस सब्जेक्ट ऑफ लॉसाइज यस आइए शुरू करते हैं हमारा रिविजन सबसे पहली बात जो देता है इस व्यक्ति को क्या कहते हैं ऑफर और एवरी वन हैजू बी इन्वॉल्व इन द रिविजन प्रोसेस याद रखना दिस रिविजन इज फॉर यू नॉट फॉर मी जो पर्सन ऑफर देता है उसी पर्सन को कहते हैं एज अ ऑफर और जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जाता है उसे कहते हैं एज द ऑफरी तो ऑफर और ऑफर देता है टू द ऑफरी जैसे ही ऑफरी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एज द एक्सेप्ट और ऑफर क्या पॉजिटिव हो सकता है yes. offer, क्या negative हो सकता है yes. offer types है के पांच आपको कहना मेरे साथ ये वो ऑफर होता है विच इज ओपन टू पब्लिक एट लार्ज कौन सा है वो ऑफर विच इज गिवन ओनली टू स्पेसिफिक पर्सन और ऑफ पर्सन कौन सा कहा आप लोगों ने वेरी गुड स्पेशल ऑफर ऑफर के बदले में ऑफर मिलना इज नोन एज अ काउंटर ऑफर व्हेन टू आइडेंटिकल ऑफर्स गेट एक्सचेंज विथ ईच अदर देन इट इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर एंड लास्ट ऐसा कोई ऑफर विच इज ओपन टू फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज अ स्टैंडिंग ऑफर वेरी गुड नेक्स्ट पॉइंट आपको मुझे बताना है वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है चलो बोलो फटाफट आपको बोलना। An agreement enforceable by law. So, क्या क्या का होना जरूरी है? Yes. क्या enforceability by law होना जरूरी जरूरी है? है? नो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट दोनों शब्द सेम है या अलग अलग है अलग अलग है कौन सा टर्म ब्रॉडर है अग्रीमेंट ब्रॉडर है कौन सा टर्म है।, contract शब्द जो है हर कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट होती है बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने ऐसा जरूरी नहीं है कम से कम कितने लोग लगते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कम से कम लगते हैं टू पार्टीज क्या ये दोनों लोग आर्टिफिशियल हो सकते हैं यस नेचुरल हो सकते हैं yes. यस क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है ऑफ अ नेचुरल एंड एन आर्टिफिशियल पर्सन यस नेक्स्ट पॉइंट जो आपको मुझे बताना है वो ये है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या होना चाहिए लीगल एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ यस देयर शुड बी लीगल एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ

अर्शन अंड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉड मिसरीप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक क्या पार्टीज में कॉम्पिटेंसी होना जरूरी है येस yes. पार्टीज कब कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं जब यू आर अ मेजर अनसाउंड माइंड एंड डिस्कालीफाइड बाय लॉ इन शॉर्ट ओनली अ मेजर पर्सन

तो लॉफुल होना जरूरी है आपका ऑब्जेक्टिव भी लॉफुल होना जरूरी है नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट वॉज रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडी कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इन टू फाइव टाइप्स कौन से है ये पांच टाइप्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वॉइडबल कॉन्ट्रैक्ट इन लीगल अग्रीमेंट्स एंड अन एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हर वो कोई चीज जो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए अगर वो प्रेजेंट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड बट बाद में वर्ड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज अ वर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वन ऑफ द पार्टीज का कंसेंट इज नॉट फ्री इज नोन एज अ वर्डबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है बाय लॉ है एस एन इलीगल एंड लास्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट आर डिवाइडेड इंटू फाइव टाइप एक्सप्रेस इंप्लाइड कॉसी टैसेमर्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ कहा है या लिखा है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बहुत बार चीजें कही नहीं जाती है समझी जाती है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन यहां पर नोन नहीं है अगर टर्म्स एंड कंडीशन नोन है इट इज अ टैसिट कॉन्ट्रैक्ट एंड सच कॉन्ट्रैक्ट विच आर क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आर नोन एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल किया गया है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एस एन ई है जिसको जो करना था कर लिया है हमने हमारे ऑब्लीगेशन निभा लिए है हमने मतलब सारी पार्टीज ने अपने ऑब्लीगेशन निभा लिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एखाधी पार्टी का या तो दोनों पार्टी का काम करना पेंडिंग है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं एज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक ही पार्टी का काम बचा है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दोनों पार्टी का काम बचा है उसको कहते हैं एज अ बायट्रल कॉन्ट्रैक्ट सो दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच सी यू ऑल टुमारो एक बार जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए Thank you.